Welcome back to Excellent English Classes. My name is Deepak Kumbhakar. I am the director of Excellent English Classes. तो मैं आज बात करने वाला हूँ एजुकेशन के ऊपर, यानी एजुकेशन यानी शिक्षा। देखिए, शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। वो कहते हैं कि इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। तो मैं बोलूँगा कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ उचित शिक्षा यानी सही नॉलेज का नॉलेज होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट, यानी शिक्षा का होना, यानी सही शिक्षा का होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, बात यह है कि एक अमीर आदमी हर किसी को अमीर नहीं बना सकता, यानी अमीर नहीं कर सकता, बट वहीं पर एक पढ़ा लिखा आदमी, एक एजुकेटेड आदमी पूरे गांव को एजुकेट कर सकता है। इतनी ताकत है शिक्षा में। देखिए, तलवार से ज़्यादा ताकत है कलम में। तो कलम का जो पावर होता है बहुत ही कमाल का होता है, ये अनलिमिटेड पावर, इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरे हिस्ट्री को बदल के रख सकते हैं। देखिए, हम लोग का जो लाइफ है ना, ये पेन की इंक की तरह है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में ही हम लोग को कुछ ऐसा करके जाना है कि लोगों के लिए मिसाल बन जाए। मतलब ये जो कलम है, इस कलम में जो इंक है, इसमें कुछ ऐसा लिखना है कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी एक कमाल का मैसेज रहे। कमाल क्या लिखा था। तो दोस्तों, मेरा यही मानना है कि शिक्षा पर फोकस कीजिए, एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। चाहे जो भी हो जाए, पहले आप उचित शिक्षा ले लीजिए, जो आपको बेसिक नॉलेज होता है वो ले लीजिए। चाहे आप ऑनलाइन ले, ऑफलाइन ले, स्कूल के ज़रिए कैसे भी ले, लेकिन ले। देखिए, बात ये है, जिसका सीखने का एटीट्यूड होगा वो कहीं से भी सीखेगा। मतलब सीखने का डिज़ायर होगा, इच्छा होगा, तो कहीं से भी सीखेगा। एकलव्य इस दुनिया में विशाल धनुधारी था, जबकि उसके पास गुरु नहीं था, लाइव भी नहीं था। वो तो अर्जुन का गुरु को देखा था, यानी द्रोणाचार्य को बस देखा था और द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया, उनका मूर्ति बना करके और उनका शिष्य समझ करके अभ्यास करने लगा और विशाल धनुधारी बन गया, अर्जुन से भी विशाल। जरा सोचिए, लेकिन आज ऐसा सिचुएशन नहीं है। आज टीचर आपके पास है, आपको सीखने का बस डिज़ायर होना चाहिए। देखिए, यूट्यूब आ गया, अब यूट्यूब से बड़ा कोई टीचर ही नहीं है। आप यूट्यूब से आप हर चीज़ सीख सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है एजुकेशन का कि आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे आप इंग्लिश सीख सकते हैं, मैथ सीख सकते हैं, हिंदी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। म्यूजिक, गिटार कैसे बजाते वो सीख सकते हैं। तो ये कमाल का प्लेटफॉर्म बन चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे तरक्की कर चुका है। बस हमें बदलना है, यानी हमें अपग्रेड करने की जरूरत है। तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को अपग्रेड कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन होगा तो आप घर बैठे अपना जो इंग्लिश है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। और मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, जो भी पता है बस शेयर कीजिए। आपको आपके पास इंग्लिश के बारे में नॉलेज है, भरा पड़ा, तो आप शेयर कीजिए। नहीं, अक्सर बात यह है कि लोग शेयर नहीं करते। बहुत सारे लोग टॉप पे पहुंच जाते, बट पता है क्या प्रॉब्लम है, वो लोग अपना एक्सपीरियंस को ले कर चले जाते हैं। तो उसका क्या मतलब हुआ, अगर हम लोग कोई चीज़ एक्सपीरियंस किए तो हम लोग का फ़र्ज बनता है, कि हम लोग उसको शेयर करें। एक बात बताइए, अगर एक मोमबत्ती जल रहा है और वो दूसरा मोमबत्ती को जला रहा है, तो क्या उससे उसका कोई नुकसान हो रहा, नहीं ना हो रहा। एक बात बताइए, सिंपल सी बात बता रहे हैं आपको, एक बात बताइए, आपके पास एक आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ में बहुत सारे फल लगे हैं, तो क्या करें, आप खुद कितना फल खाएंगे, ज़्यादा तो नहीं खा पाएंगे, ज़्यादा आम नहीं खा पाएंगे, तो क्या होगा, आम सब बच जाएगा, तो आम सब आपका सड़ जाएगा, तो आपको फेंकना पड़ेगा, उससे अच्छा लोगों में बांट दे। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी से मैं यही बताना चाहता था कि आपके पास जो भी है शेयर कीजिए। और YouTube एक कमाल का प्लेटफॉर्म बन चुका है, इससे आप घर बैठे कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं। YouTube में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, YouTube और Google, जो आपको नहीं मिला, आपको हर वो चीज़ मिलेगा, फिर भी आदमी करना नहीं चाहता। देखिए, बस आपको एक डिज़ायर की ज़रूरत, इच्छा होना चाहिए कि मुझे करना है। सिर्फ रोने से या कोसने से कुछ नहीं होगा। आप रोते रहेंगे कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो आपको नहीं आएगा। आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और ब्लेम गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को बेहतर बना। और आप अब सबसे पहली बात यह है, इम्पॉर्टेंट बात यह है, हम लोगों को बदलने चलते, नहीं, लोगों को बदल नहीं सकते।
लोगों को बदल नहीं सकते, अगर बदलना ही है तो खुद को बदलिए, दूसरों को चिंता छोड़िए। और लोग क्या, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों के बारे में सोचते रहते कि लोग क्या कहेंगे। भाई लोगों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हर चीज़ आप लोगों के लिए ज़रूरी थोड़ी है, लोगों के लिए नहीं करना है, इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। आपका जो भी ड्रीम्स है काम कीजिए, आपका जो भी ड्रीम्स है पूरे डेडिकेशन के साथ काम कीजिए और आप बिल्कुल एक दिन सफल होंगे, ये मेरा वादा है। तो आप अगर घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो आप हमारा वीडियोस देख सकते हैं बहुत ही आसानी से घर बैठे, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा, आप घर बैठे इजीली इंप्रूव कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए हमारे इंडिया में सिर्फ 20% लोगों को बढ़िया से इंग्लिश बोलना आता है और बाकी 80% लोगों को नहीं आता है। तो हम लोग का यही पर्पस है उद्देश्य है कि हम लोग जितना लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए जितना लोग इंग्लिश बोल सकें, हम लोग का कोशिश कि हमारे इंडिया में 100% लोग इंग्लिश में बात कर सकें, क्योंकि इंग्लिश आज हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो चुका हर चीज़ के लिए। देखिए ना, स्मार्टफोन आपको चलाना है तो उसके लिए आपका इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही हम लोग स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियोज़ डालते रहते हैं, ताकि अगर हम लोग कुछ भी आपके अंदर आपके लाइफ में अगर पॉजिटिविटी क्रिएट कर सके तो हम लोग का चैनल का पर्पज़ पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव फन इन योर लाइफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।